क्या हमें कुछ मतलब काफी ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए, तरीके से ऐसा काम करो जिसका बड़ा प्रभाव हो और लंबे समय तक कुछ हम बदलाव की मूड में आए। गोल लगातार समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी, ब्रांडेड कंपनी में 500 अभ्यर्थी के मिलल नियुक्ति पत्र, अब करी है नौकरी। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। कंपनी के पदाधिकारी से लेके रोजगार मेला में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे वाला के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बिहार में रोजगार के अभाव बा, लेकिन अभाव के दूर करे के ठान ले ले बाड़ी एगो व्यक्ति के हऊ, सब बताई भोजपुरिया समाचार। बस अंत तक खबर जरूर देखब। बिहार के युवा के अपना पैर पर खड़ा हो के खातिर, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करे खातिर विक्रमगंज के खैरा भूधर में समृद्धि रोजगार मेला के आयोजन कैल गई। यह 2 दिवसीय रोजगार मेला के उद्घाटन शनिचर के समाज सेवी किरण प्रभाकर कैली, जिनकर प्रयास से मेला के आयोजन कैल जा रहा बा। पहल के दिन 500 अभ्यर्थी के समृद्धि रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र दिहल गई। रउरा सबके बता दी कि यह 2 दिवसीय मेला में अनेक क्षेत्र में रोजगार के अवसर के पेशेवर लोग के द्वारा युवा के मार्गदर्शन भी कैल जाता आ देश के कुछ प्रमुख कंपनी भाग लेके रोजगार भी दे रहल बिया। यह अवसर पे समाज सेवी किरण प्रभाकर बतैली कि बिहार में नौकरी के काफ़ी किल्लत बटुए, ऐसन में युवन के रोजगार से जुड़े खातिर मेला महत्वपूर्ण बा। यहाँ के कहनी कि समृद्धि रोजगार मेला भारत में नौकरी मेला के इतिहास में सबसे बड़ा रिकार्ड तोड़ दिहलस। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चले वाला यह रोजगार मेला के पहल के दिन साक्षात्कार में भाग लेवे वाला लगभग उम्मीदवार के नौकरी मिल गई। कुछ लोग के ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी, ऑटोमेटिव, F&B, कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फैलल 15 कंपनी, सेल्स एंड सर्विस, ऑपरेशंस, ब्रांच मैनेजमेंट आदि में 500 लोग के नियुक्ति कैलस। यह अवसर पे पत्रकार से बातचीत करत किरण प्रभाकर कहली कि अपना गांव आ लोग के मानचित्र पे ले आवल हमार सपना बा। ऐसा करे के ऐसे बेहतर तरीका का हो सकता कि समृद्धि रोजगार मेला के माध्यम से रोहतास जिला के युवा खातिर एगो मंच बनावल जाए। समृद्धि रोजगार मेला का आयोजन हुआ है, उसमें आप अभ्यर्थी के रूप में आए, आपको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा अनुभूति हो रहा है? तो आज मेला में रोजगार के लिए उसमें बहुत अच्छा फील हुआ। हमारा जो LED बनाने वाला कंपनी है उसमें सिलेक्शन हुआ है, अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है। हमने बोला है 4 तारीख को आपको वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन ग्रेजुएशन है, केमिस्ट्री और लॉस और IT है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर ट्रेनिंग टोला जो कि जो विक्रम वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। नाम क्या है? नाम रवि रंजन कुमार। घर कहाँ होगा? घर ट्रेनिंग टोला जो कि भूधर में ये जो रोजगार मेला लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों के लिए या आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए? ये तो बहुत अच्छा इनिशिएशन है, जो भी ऑर्गेनाइजर उनके लिए उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद। विक्रमगंज के एरिया में, एक रिमोट एरिया में, मेरा बुद्ध एक छोटा सा पंचायत है, उसमें जो प्रोग्राम हुआ है उसमें जो सहभागिता हम लोगों को करने को मिल रही है इंडियन ऑयल की तरफ से, खासकर LPG इंडियन की तरफ से, एक हम लोगों ने डिस्प्ले लगाया है और कल हम लोगों का प्रोग्राम है एक सेफ्टी क्लिनिक करने का कि गांव-गांव में लोगों को गैस के प्रति, उसके सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उसका आयोजन इन लोगों के द्वारा हम लोगों को एक समय दिया गया जिसमें हम लोग करेंगे। और आज जो भी LPG से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो हम लोग गाँव में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आए हुए हैं और कर रहे हैं, इसमें इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। विक्रमगंज अनुमंडल के खैरा भूधर में समृद्धि रोजगार मेला लगा हुआ है, इसमें आपको आकर के कैसा अनुभूति हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि
हमारे पास बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं और हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें एक चांस दें। कंपनी का नाम क्या होगा सर? वेलंकनी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो भी अभ्यर्थी रोजगार के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं उनका उम्र सीमा क्या होगी? देखिए, हम जो लोग लेते हैं उनकी उम्र सीमा 19 से 30 साल। अर्हताएँ क्या होती है? क्वालिफिकेशन भी? क्वालिफिकेशन जी, जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के, जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में कुछ चाहिए तो अगर उन्होंने पीछे कहीं काम किया हुआ है या कोई आईटीआई कर रखा है या स्किल डेवलपमेंट का कुछ काम कर रखा है, तो जैसे ये कैंडिडेट थे ना रविरंजन जी, इन्होंने एलईडी कर रखा है तो हमको एक एलईडी ऑपरेटर चाहिए था, इसलिए हमने। तो अभी तक जब से ये स्टार्ट हुआ है रोजगार मेला जी, अब तक समय में अभी आपके टेबल पर कितने अभ्यर्थी आए इंटरव्यू के लिए? अभी तक हमारे पास 12 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 4 लोगों को हमने ऑलमोस्ट सेलेक्ट किया। अच्छा, नॉर्मल सेलेक्ट हो गए हैं? हाँ, 4 लोग। हाँ, 4 अक्टूबर को हम उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे। 4 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर? 4 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे। और इनको क्योंकि 2 अक्टूबर क्लोज है तो इनको 3 अक्टूबर को ही भेज देंगे और उनको शायद 6 या 7 को ज्वाइन करना पड़ेगा। वेतनमान कितना होगा इन लोगों का? वेतनमान डिपेंड करता है कि आपका क्या, विच, आप कौन से जॉब रोल के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशांक। इस कंपनी में आप किस पद पर? मैं इस कंपनी में डायरेक्टर एसएससी से काम करता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के प्रति जो हमारा है उज्ज्वला योजना, हमारा नया कुंभोजी सिलेंडर जो आया है उसके विषय में बताना, उसको सिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें गैस का। उज्ज्वला योजना का नाम है योजना स्कीम जो आया है, उज्ज्वला 2 आया है, हमारा लोग लें, लोग लें, पेपर जमा करें, जल्दी जल्दी शुरू होने वाला है, स्टार्ट रिलीज कनेक्शन, नया कनेक्शन रिलीज करने वाले हैं लोग हैं। और हमारे कुछ सिलेंडर आया है नया 10 kg का, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही सेफ है, बास्टन बॉडी है। इफ्को का है उज्ज्वला? नहीं, उज्ज्वला हमारा इंडियन ऑयल का है, भारत सरकार का स्कीम है, इसके तहत पहले भी हम लोग दे चुके हैं, फिर वो ये स्कीम आया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में जो भी गरीब लोग हैं, रिटेल के टाइम आते हैं, सबको हम उज्ज्वला छूटेंगे। अच्छा, गैस कनेक्शन? हाँ, फ्री गैस कनेक्शन देते हैं, गैस चूल्हा फ्री देते हैं हम लोग। उसका भी कोई होगा ना टारगेट होगा ना कि कितना देना है या कैसे लोगों को देना क्राइटेरिया होगा? टारगेट तो बहुत ज़्यादा है, उतना अभी मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, जितने संख्या में आएंगे सबको हम लोग बिल्कुल दे देंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवध बिहारी सर हुआ। हम यहाँ पर सेल्स ऑफिसर सासाराम जैसे के हैं। जो समृद्धि रोजगार मेला है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समृद्धि रोजगार मेला, तो यहाँ रोजगार का मेला लगा है समृद्धि बढ़ाने हेतु, तो यही है मुख्य पर्पस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। इसमें किस किस तरह के बच्चों को यानी अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियाँ आई इसके बारे में? लगभग 20 कंपनियाँ आई हैं जो दोनों दिन मिला करके, लेकिन फर्स्ट डे में SIS है, 7 Sellers है, हाईटेक सुविधा और 46 Ounces, स्टील बर्ड हेलमेट, मतलब नामी गिरामी काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनियों ने मतलब यहाँ पे आने को जब बोला था मैं इतनी खुश हो गई थी, मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि ये लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने कृपा की और वो आए। शायद ये रोजगार मेला ये जो लगा हुआ है इसका मेन कारण से आपसे मन रखता और कैसे चला इसके बारे में? कुछ चीज़ तो जन्म से ही होता है, जन्म से होता है कि हम कभी किसी के काम आ जाए तो अच्छा लगता है, तो बचपन से ही था कि कभी किसी को बिना स्वेटर के देखते थे तो घर में पापा का स्वेटर उठा के दे देते थे।
घर में जो भी होता है कुछ कर देते थे। तो ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे मैं जहाँ भी रही, जब भी लगा कि किसी कोई नीडी को मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैंने हमेशा प्रयास किया। लेकिन बाद में लगा कि ये कोई मतलब नहीं है, ऐसे क्या हमें कुछ मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए, तरीके से ऐसा काम करो जिसका बड़ा प्रभाव हो और लंबे समय तक कुछ हम बदलाव के मूड में आए। हम सोचे कि आखिर क्यों बिहार में लोग इस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हम उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं हो सकता। तो हमने लगा कि नहीं, बेस्ट तो हम हैं, हमारे पास तो सब कुछ है जो एक सुधार के लिए चाहिए, जो एक चेंज के लिए चाहिए, जो अगर हम चाहते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ किसी भी चीज़ में किसी की लाइफ में चेंज लाने के लिए तीन चीज़ें जिम्मेवार होती हैं। एक होता है फर्स्ट आपका एजुकेशन, दूसरा होता है आपका राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा होता है पैसा। अगर ये तीन चीज़ें पॉजिटिव हैं आपके लाइफ में तो आप एक बहुत सुंदर ज़िंदगी जीते हैं। और इन तीनों में अगर कोई भी गड़बड़ाया तो फिर लाइफ का वो सुख नहीं ले सकते आप। तो मुझे लगा मैं तीनों ठीक कर सकती हूँ। इसमें अर्हता क्या है, जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, अभ्यर्थता मैंने क्या, इसमें अर्हताएँ क्या है अभ्यर्थियों के लिए? क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, क्वालिफिकेशन में है कि 12th पास होना चाहिए, बाकी आप जो भी किए हों, अगर बीटेक को भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब जैसे जिन्होंने अच्छे से बीटेक किया है उनको तो कंपनियाँ खुद ही ले जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बीटेक जो रोज़गार बैठे हैं वो भी हैं। 12th पास होना ज़रूरी है, बाकी 18 साल से 35 साल का एज होना चाहिए। आपका सुना किरण प्रभाकर।